सम्मान मिला हुआ, क्योंकि इंदौर से भी हकार हुआ, हर परिवार का किसी के कल ही एक परिवार के उसकी माता जी एक्सपायर हो गई है, उनकी उनकी पत्नी एक्सपायर हो गई है, उनका बच्चा एक्सपायर हो गया है, तो ऐसी स्थिति आ गई है। लोग अब खाने के लिए नहीं मर रहे हैं, उनके परिवार मर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति आ गई है। कभी इन लोगों की व्यवस्था नहीं हुई, दो तीन दिन के अंदर मैं उनके साथ, कभी मैंने आत्महत्या करी इंदौर शहर में, कभी मैंने आत्महत्या की, तो इंदौर शहर कूद के मरने लग जाएगा। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूँ और इंदौर के प्रशासन चेतावनी देना चाहता हूँ, कभी एक भी कभी ऐसा कोई किसी ने मरा तो सबसे पहले कूदने वाला मरने वाला मैं आदमी हूँ, क्योंकि मेरे लिए जनता है, मेरा परिवार बाद में जनता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा खुद का बेटा सागर शुक्ला लगातार अस्पताल में भर्ती है, वो मेरे घर के अंदर मेरे को मेरा बिस्तर अलग कर दिया गया है, घर के अंदर नहीं आ रहे हैं। मेरा परिवार 80 लोग परिवार है, मैं घर के बाहर रह रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ मैं जानता हूँ, मेरा खाना कैसे मिल रहा जानता हूँ, मेरा बच्चा अस्पताल भर्ती होने के बाद भी मैं आम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, हर अस्पताल में जा रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ में जा रहे हैं, परंतु प्रशासन इंदौर का जग नहीं रहा है और एक भी इंजेक्शन हमको नहीं दिया जा रहा है, और हम तो चेक भी दे रहे हैं, हम अस्पताल भी दे रहे हैं, ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, और हमसे क्या चाहिए, आप जान ले लें हमारी, हम जान देने को भी तैयार है, परंतु इंदौर की जनता के लिए आप कुछ करके दिखाएं। मैं यही आप निवेदन कर रहा हूँ कि इंदौर शहर में तो आत्महत्या करूंगा, इंदौर शहर आत्महत्या कल्याण तो हिंदुस्तानी पूरा वर्ल्ड आपके लिए थू थू करेगा, आप दमोह जीत जाएंगे, बंगाल जीत जाएंगे, परंतु देश से हार जाएंगे, प्रदेश से हार जाएंगे। यही मेरा आपको दो दिन का टाइम दे रहे हैं, मैं दो दिन का टाइम दे रहा हूँ, दो दिन का कभी नहीं हुआ तो मैं तैयारी करूंगा।